हेलो फ्रेंड्स, न्यू टॉपिक के साथ में सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ, फरवरी में काफ़ी पेपर हैं आप लोगों के। जैसे मैं नोटिफिकेशन में, जैसे मैं मैसेज में देख पा रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि हाँ, बहुत बहुत पेपर हैं फरवरी में। सबसे पहले अभी आने वाला एक बार्क का आने वाला है और आईबी का, इन दोनों के आगे 18-19 तारीख में इसका है और बार्क का 21 तारीख में। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट करे हैं, हमारा ये टॉपिक मिक्स सीरीज ये हो गया। रीजनिंग हमें करना है, ब्लड रिलेशन हमने अभी करा है प्रीवियस वाले में, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने कल करा था, कल हम करवा रहे थे तो ब्लड रिलेशन ही हो पाया था, तो आज हम कैलेंडर करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं। कैलेंडर के बेसिक्स में आपको बता देता हूँ, टाइम सेकंड्स आप जानते ही हैं, टाइम का हुआ, सेकंड्स का हुआ, ठीक है। टाइम सेकंड्स कहाँ आ गए कैलेंडर में बच्चों, मुझे गड़बड़ी ना करवाओ, वो क्लॉक्स में आता है। कैलेंडर में क्या चलता है, मंथ, वीक, ईयर, ओके। तो सबसे पहले हम बताएंगे, बताइए आप लोग, बताइए, हम तो काफ़ी बताते रहते हैं, आप लोग बताइए, सेंचुरी किसको बोलते हैं। ओके, 100 हो गया, हाउ मैनी लीप ईयर, चलो ये क्वेश्चंस हैं, हाउ मैनी लीप ईयर दे आर इन 500 में, कितने लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या किया जाता है, लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, करते हैं ना, 4 से या 400 से, तुमने 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 125 आ गया, इतने लीप ईयर। लेकिन 125 में हम ये भी जानते हैं कि 100 पे गया होगा, 200 पे गया होगा, 300 पे गया होगा, 400 पे गया होगा, 4 लीप ईयर और हैं, तो -4 कर दिया, तो कितने आगे लीप ईयर, 121 लीप ईयर आ। जैसे 800 की बात की जाए, 800 में किया जाए तो 800 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना देंगे, 200, 200 तो लीप ईयर ही आ गए, और वैसे लीप ईयर कितने हो गए, 5 में होते हैं 4, 5 में हो गए 4, क्योंकि 100, 200, 300, 400, 200, 300, 400, 500, मतलब 200 पे गया, 100 पे गया, 200 पे गया, 300 पे गया, 400 पे गया, 600 पे गया और 800 पे गया। तो ये तो 400 के तक तो ये हो गए थे, और अगर 800 की बात करो तो 6 हो गए, तो मतलब 200 माइनस 6 तो कितने हो गए, 194 लीप ईयर, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और, जो कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, कोई भी कैलेंडर है उसको रिपीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी जो भी जनरल ईयर होता है उसमें +6 कर देते हैं, तो कैलेंडर क्या होता है, हमेशा रिपीट हो जाता है। जैसे आज क्या चल रहा है, 2021, ये रिपीट कब होगा, 2027 में, सेम टू सेम जैसा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, समझे। अच्छा क्वेश्चन है ना, कैलेंडर रिपीट क्या होता है, हर 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो जाता है। 2022 है तो 6 साल बाद, 2028 बाद फिर रिपीट हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2033 आ जाएगा, ठीक है। हर 6 साल बाद कैलेंडर क्या होता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आते हैं कि उस फलाना डेट को, उस फलाना तारीख को कौन सा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे क्या पढ़ रहा था, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसे निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जो एक चीज़ याद करनी है, सिर्फ एक चीज़, 733, 614, 625, 735, क्या निकालनी, क्या करनी है, 733, 614, 625, 735, ठीक है। ये क्या हो गया,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 मंथ के लिए 12 तारीख है। मेरे साथ साथ बोलो, 733, 614, 625, 735। ठीक है, याद कर लिया? याद कर लिया? चलो कर लिया। एक चीज, दूसरी चीज याद क्या करनी है? संडे, मंडे, ट्यूसडे याद करनी है ना, तो हम कहाँ से याद करेंगे? सैटरडे से। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे तो ये आ गया। इसको हम तारीख क्या देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक ही याद करना है आपको और एक ही याद करना है आपको, बस। अब आप बन गए माहिर हर डेट निकालें। अब बताओ कौन सी डेट निकालें। चलो हम निकालते हैं, अभी की निकालते हैं, 26 जनवरी 1950। कुछ डेट ऐसी हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये डेट तुरंत आ जाती हैं, पूछ ली जाती हैं। तो 26 का 26 लिखेंगे, जनवरी में क्या था? 7, 1950। सबसे पहले इसमें से हम क्या निकालेंगे? इसका लीप ईयर निकालेंगे। तो 1950 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं? 4 से करने वाले हैं, क्योंकि लीप ईयर किससे होता है? 4 से होता है। 16 होता है, 3 होता है, 35 होता है, 3 होता है, 35 होता है। 9 जा करेंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा।